दिनों बाद खेलने जा रहा हूँ Forza Horizon 5। भाई मेरे साथ यार एक बंदा खेलता है भाई जिसका नाम है मोगली। यार आप उसको जानते ही होंगे, वो नू बड़ा सा पता नहीं आ जाते कहीं कहीं से उठ के। भाई बंदा मेरे साथ GTA 5 खेलता है, फ्री फायर खेलता है और भी यार कई सारी मल्टीप्लेयर गेम खेलता है। लेकिन भाई उसने मुझे चैलेंज दिया है कि तू, उसने कही थी कि तू Forza Horizon 5 में एक यार गाड़ी है Porsche की, उस गाड़ी का नाम है Porsche Carrera S। वो कह रहा है अगर तेरे में दम है ना तो वो गाड़ी लेके दिखा। भाई मैं सोचा यार आपके साथ देखता हूँ वो गाड़ी है कैसी। भाई वो गाड़ी है ये री। भाई यार ये गाड़ी है 1,05,000 क्रेडिट्स की। सर अभी मेरे पास है 1,01,808 क्रेडिट। सर अभी मुझे टोटल 4,000 से 3,000 के आसपास कुछ क्रेडिट्स चाहिए। भाई 4,000 मुझे अभी क्रेडिट्स चाहिए और भाई फिर मेरे पास भाई Porsche Carrera आ जाएगी। और यार 4,000 से मेरे लिए यार छोटी मोटी बात लेनी। और यार मैं सोच रहा हूँ कि ना उसको ना बिल्कुल चिढ़ाऊंगा मैं ये गाड़ी लेके। सर आप लोग यार मुझे एक बात बताना कि यार मैं हम कोई सी भी गाड़ी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई कमेंट में बताना अगर आपको पता हो तो। भाई मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यार एक लैम्बोर्गिनी देने की सोच रहा हूँ। भाई आप मेरा जल्दी जल्दी यार 2,00,000 सब्सक्राइबर करा दो और यार फिर मुझे बताना कि मैं आपको कोई गाड़ी दे सकता हूँ क्या। भाई पहले तो यार मुझे आप कमेंट में बताना कि मैं किसी को भी गाड़ी गिफ्ट कर सकता हूँ क्या। नहीं आप लोग सोच रहे होंगे यार भाई चीनू आप यार ये 1,05,000 की गाड़ी क्यों खरीद रहे? आपको महंगी गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे? उसका रीजन ये है भाई मुझे मोगली ने चैलेंज दिया है और यार मुझे उसके चैलेंज को पूरा करना है, उसको ठेंगा दिखाना है। ठेंगा यार मैं भी कर सकता हूँ। और ये गाड़ी है 1,05,000 क्रेडिट की। भाई गाड़ी में दम तो है, इसके लुक में से लगते कि यार इस गाड़ी में दम तो है। सर अभी मैं कोई मस्त एक रेस करने चलता हूँ। भाई मुझे यार 3,000 से 4,000 क्रेडिट चाहिए जो अगर मैं लास्ट पोजीशन पे भी आऊंगा ना मुझे जमी भी मिल जाएंगे। फिर अभी मैं एना से यार रेस पूछता हूँ। तो यार मैं तो सोच रहा हूँ यार कि भाई मैं ना एमरल्ड सर्किट पे चलता हूँ। भाई इस पे तो यार 5,000 तो आराम से मिल जाते हैं। चल अभी मैं एमरल्ड सर्किट रेस पे जा रहा हूँ। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये गाड़ी कौन सी है और यार आप निसान GTR क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि यार ये गाड़ी मैंने अभी रिसेंट पे खरीदी है। भाई इस बार ना इस गाड़ी का थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा। Porsche की गाड़ी है भाई ये। भाई आप लोग यार मुझे कमेंट में बताना कि आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए यार आपको बुगाटी वगैरह भी चाहिए। भाई आप मुझे ये बताना कि मैं आपको लैम्बोर्गिनी दूं या बुगाटी, अगर उसमें देने का ऑप्शन हो तो। भाई अगर आपने मुझे बुगाटी बोला ना तो यार मैं आपको बुगाटी भी दे दूंगा, लेकिन एक ही गाड़ी दूंगा दे पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि यार दोनों खरीदने में तो यार बिल्कुल हालत खस्ता हो जाएगी। भाई उससे पहले यार पर 2,00,000 करा दो यार। भाई मुझे पता है भाई यार तुम लोग करा दोगे, चुटकियों का काम है भाई तुम्हारे लिए। तो फिर मेरे पास अभी एक और Porsche है जिसका नाम है, तो भाई मेरे पास एक और Porsche है 911 GTR, लेकिन यार मैं चलाऊंगा स्पीडर वाली क्योंकि यार मुझे भाई जबान यार चेक भी हो जाएगी कितनी बार बोल रहा हूँ मैं यार। भाई यार ये लीवर यार क्यूट भी है लेकिन लड़कों वाली भी है। भाई चलेगी यार, अभी तो रेस करने से मतलब है, लेकिन यार कुछ भी कहो क्यूट लग रही है। एक्सबॉक्स छपा हुआ है भाई इस पे, हम भी यार गेमिंग करते हैं ब्रो। बस भाई पीसी पे, एक्सबॉक्स पे नहीं पीसी पे। भाई यार ड्रीम तो मेरा भी है कि यार मैं बड़े होके भाई लूं यार भाई लैम्बोर्गिनी यार Porsche। भाई लैम्बोर्गिनी यार या यार Porsche। सर अभी यार हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है। सर अभी मेरा भाई फुल कंसंट्रेशन भाई फुल यार रेस में जाने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपसे बात करूंगा क्यों यार, क्योंकि यार मेरे से रहा नहीं जाता आपसे बात करे बिना यार। भाई आज मैं एक गलती बिल्कुल नहीं करूंगा जो है भाई मिट्टी में उतारने की। भाई मैं जब भी गाड़ी को यार मिट्टी में उतार देता हूँ और फिर ये गाड़ी फिसलती है, फिर इसका ट्रैक बिगड़ जाता है जैसे अभी इस बंदे ने बिगाड़ दिया। पर 12th पोजीशन भी होगी इतनी जल्दी, मतलब सारे बंदे मेरे बिल्कुल चिपक के चल रहे थे। भाई रास्ता आएगा इनको तो मैं अभी ओवरटेक कर दूंगा देखना। भाई भाई मैंने बोला क्या कि लास्ट भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत है नहीं। सर ये तो यार बिल्कुल ही मुझे लास्ट भेजने की सोच रहे हैं। भाई भाई ओ भाई भाई मेरी गाड़ी की डिग्गी, भाई मेरी गाड़ी की छत खुली हुई है और भाई
और मेरे ऊपर से पत्थर जा रहे हैं, और हल्का सा भी पत्थर मेरे सिर पे लगा, मेरा टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा, फिर मैं दोबारा रेस नहीं कर पाऊंगा। तो ना जी ना रहे ना ही तो मारो, लब 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 भाई दूसरा लैप आ गया रे भाई, कोई दिक्कत नहीं करनी, अभी तो देखना एक दूसरे को ठोक दूंगा मैं भाई, हट जाओ आगे से वरना मैं एक दूसरे के ओर ठोक दूंगा भाई। भाई अभी मेरी चल रही है सेकंड पोजीशन, भाई सामने वाला बंदा हो गया रे भाई गाड़ी तो, भाई ऐसा लग रहा है कि यार उसके पास टेस्ला है, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पिकअप बहुत तगड़ा होता है, लेकिन यार पेट्रोल वाली गाड़ी भी यार कम होती है क्या भाई। भाई लेकिन यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कुछ ऐसा सीन होता है कि यार वो डायरेक्ट भागते बिना कुछ देखे, जाओ जो होगा देखा जाएगा, और यार ब्रेकिंग भी तगड़ी होती है यार इलेक्ट्रिक कार की। फिर मैं आगे जाके यार भाई गेम में मैं टेस्ला लूंगा, टेस्ला तो लेनी है, इसकी टेस्ला भी नहीं लग रही यार, पता नहीं कौन सी गाड़ी ले रहा है बंदा, मुझे यार कोई पोर्शा का ही कुछ आसपास मॉडल लग रहा है मेरे को। भाई अब बताता हूँ क्योंकि अभी आप लोग को फाइनल लैप हो चुका है, अब मुझे रेस पे फोकस करना पड़ेगा, अभी मैं आपसे थोड़ी सी कम बातचीत करूंगा चलेगा, लेकिन आपसे बातचीत में फिर भी नहीं रोकूंगा क्योंकि रहा नहीं जाता, अब क्या करे थेरेपी ऐसी है ना। और ये बंदा बिल्कुल मेरे चिपक के चल रहा है सच्ची में भाई, अब क्या बताऊं क्या बताऊं भैया, ये बंदा बिल्कुल मेरे चिपक के चल रहा है भैया, आगे से हट जा भैया, मैं ठोक दूंगा फिर भैया, फिर तू रोएगा भैया, हट जा आगे से भैया। पाई लगी थी मंदी, फिर टर्न, फिर का सर रेस, फिर मंदी, फिर टर्न, अब भगाओ गाड़ी को, टू प्राइम के फाइव मेरे से पंगा ले रही है, और आगे भी चली गई पंगा लेते लेते, कोई बात नहीं चलेंगा चलेंगा चलेंगा, बस मेरी गाड़ी स्टेज पे खड़ी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। भाई अब भगाते हैं इसको फुल, भाई ड्रिफ्ट के साथ हल्की सी ड्रिफ्ट मारी वैसे मैंने भाई, लेकिन यार सेकंड पोजीशन में मेरी ड्रेस कंप्लीट हुई है, और यार आपको याद है भाई निसान के साथ मेरी पोजीशन आई थी फिफ्थ से सिक्स्थ के आसपास की, लेकिन भाई पोर्शे ने यार आज दिल जीत लिया भाई, भाई पोर्शे ने यार दिल जीत लिया भाई साहब, सेकंड आया हूँ मैं, चलो यार थर्ड ईयर मर्सिडीज वाला है, और यार फर्स्ट आया सुपरा वाला भाई, जिसकी यार बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाई, वैसे यार बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा बस, 1 लाख रुपए ये साथ साथ यार मुझे यार 1 लाख क्रेडिट्स भी मिल चुके हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी, मैं सोचा यार मिल जाएंगे 5,000 वगैरह, सीधा 1 लाख जाए हो और तुस्सी ग्रेट हो, फर्स्ट आ जाता फिर तो शायद किस्मत तो 1 मिलियन में मिल जाते भाई। वैसे यार स्पिन की बात होती है, स्पिन में यार शायद हमारी सीधा पोर्श करेरा या लैम्बोर्गिनी एसेंडा ही आ जाए, किस्मत ब्रो किस्मत, लेकिन हमारी 1 लाख की किस्मत थी हमें मिल गई, जाओ भाई इतने तो मिले यार इतने भी नहीं मिलते तो, अब मैं कहाँ जाता भाई, भाई मुझे 5,000 क्रेडिट्स और अलग से मिले हैं, मतलब यार अभी मेरे पास हो चुके हैं टोटल 2,22,000 क्रेडिट्स। अभी हम भाई मार्क लगाते हैं भाई होराइजन फेस्टिवल का, चलते हैं सीधा भाई भगा के इस गाड़ी को, भाई कुछ भी कहो यार ये गाड़ी भाई मेरे दिल में बैठ गई सच्ची में, बहुत प्यारी लग रही है मुझे गाड़ी भाई, वर्डर में एम्बुलेंस सर्किट पे भाई मैं फोर्थ पोजीशन आओ भाई, फोर्थ पोजीशन आ जाओ मेरे लिए वही बहुत है, लेकिन यार इस गाड़ी ने मुझे सेकंड पोजीशन लिया है यार एमरल्ड सर्किट पे, यार ये गाड़ी तो यार दिल को छूनी थी भाई, और यार ये जो गाड़ी है ना यार इसका जो पीछे से स्पॉइलर खुलता है ना भाई साहब बुगाटी की तरह खुलता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल बुगाटी की तरह खुलता है यार, तुम लोग इसकी कंट्रोलिंग देखो इतनी प्यारी है भाई, बस क्या बताऊं भाई, देखो अगर मैंने एक ड्रिफ्ट भी मार दी ना हल्की सी, देखो देखो बंदे समझ जाती है, मतलब गाड़ी समझ जाती है आराम से,
मतलब ज्यादा डिसबैलेंस नहीं होती, जैसे GTR वगैरह हो गई। वैसे GTR भी कम नहीं है। आइए बंदा मस्टैंग लेके आ रहा है। आज रेस लगा रहे, रेस बता, रेस लगा रहे। पलट पलटा देगी मेरी गाड़ी डी है बाल तू नहीं, कौन पलटा देगी रैकन, देखियो तेरी अरे बोटी बोटी खा जाएगी। फिर अभी खरीदते करेरा और मोगली को देते करारा जवाब। आई देखना यार तगड़ी खरीद, इसको तो यार बिल्कुल तगड़ी डिलीवरी कराऊंगा इसके ऊपर भाई। मैं भैया मैं लास्ट में देख के आता हूँ। आई तुम यार डिलीवरी देख भाई, मैं डिलीवरी देने की सोच रहा हूँ यार। तुम लोग यार कमेंट में बताना, रुक भाई दो भाई बिल्कुल यार 2 सेकंड रुको एक बार। भाई तुम लोग यार लीवरी देखो भाई, वैनम की कितनी प्यारी लग रही है। डर वो नहीं होते जैसे बिल्कुल डेविल लुक दे रही है यार। भाई देखो सामने से लग रही है बिल्कुल स्वीट कार और साइड से लग रही है बिल्कुल डेविल कार। और इसके यार जब ये लाइट वगैरह लाल होगी ना, कितनी प्यारी लगेगी भाई। गाड़ी वगैरह भी खरीद देते हैं हम भाई। अभी अपने पास गाड़ी भी आ चुकी है भाई। तुम लोग यार इसका इंटीरियर देखो यार, भाई तुम लोग यार इसका इंटीरियर देखोगे ना मस्त लग रहा है। अभी मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ भाई। ये इसका स्टेयरिंग है और यार ये इसके साइड में पूरा वुडन की भाई चीज लगी हुई है मस्त वाली। भाई अरे भाई उतर क्यों गया तू। अब यार मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ यही पे। भाई इतनी प्यारी लग रही है ये। भाई ये कहते है कि जो एक गाड़ी है ना, रुक जा बहन रुक जा, ज्यादा पिकअप मत पकड़ रुक जा, मैं बता रहा हूँ। भाई कहते जो एक गाड़ी है ना बिना ट्यूनिंग के भी इतनी तगड़ी है, इतनी तगड़ी है भाई। देख तो मैं भी कितनी तगड़ी है, जितनी इसकी हवा बना रखी है ना, लब 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 लब। देखता हूँ कैसी है ये गाड़ी भी। भाई आवाज तो प्यारी है इस गाड़ी की, वैसे कुछ भी कहो। भाई पीछे से देखो यार ये जो लाइट चल रही है ना भाई, कितनी प्यारी लग रही है भाई। मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ अपनी रियल लाइफ में। फिर अब इसको भगाते हैं। 1 2 3 दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, छठा गियर, देखी भाई मैंने बस एक ये बटन दबा के ब्रेक मार दिया। ऐसे कैसे रुक गई गाड़ी, ऐसे कैसे। फिर अभी भाई मैं इसको हाईवे पे लेकर चलता हूँ भाई। अभी नहीं भाई, थोड़ी सी यार सुबह होने दो, फिर यार मैं इसको हाईवे पे लेकर चलूंगा और इसकी टॉप स्पीड चेक करूंगा कितनी है। फिर अभी यार इसका रे पर ही घुमा के देखते हैं। भाई यार ये कुछ बंदे आ रहे चिमकांडी से, हमारे आगे ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। येलो भाई, येलो ड्रिफ्ट देखने तुमको। भाई कुछ भी कहो भाई साहब, भाई अंधेरे में यार वैनम तगड़ा लग रहा है। कौन सी गाड़ी थी ये, कोनिसेक जेस्को 2.8 मिलियन की। भाई मुझे बंदा कह रहे तू मेरे साथ रेस कर, कोनिसेक जेस्को वाला ये। भाई क्यों डरा रहे भाई, मैं भी नहीं डरता, एक दिन लेके आऊंगा कोनी सजेस्ट को, तुझे भी डराऊंगा देखियो तू। भाई बंदों के बीच में जाके ड्रिफ्ट करें मस्त वाली। ब्रेक अब देखते हैं, अब इसके ड्रिफ्ट मारते हैं। ये भैया ये भाई मुझे आप लोग एक चीज बताओ, यहाँ पर छठे गियर में यहाँ पर ड्रिफ्ट लगती होगी भाई। जस्ट यार भिड़ते भिड़ते बची है और यार इस गाड़ी की आ रही ऐसी ब्रेकिंग है, बस क्या बताऊं। ये फिर अब इसका हॉर्न सुनते एक बार। भाई देखो यार कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और यार ये जो यार अभी मेरे पास गाड़ी है ना भाई, स्टॉक के साथ है भाई, विदाउट ट्यूनिंग है। फिर अभी मैं पहले तो यार हाईवे की लोकेशन मार्क मार लेता हूँ।
भाई फिर यार हम इसका करेंगे स्पीड टेस्ट। फिर अभी चलते हैं सीधा हाईवे की साइड, क्योंकि यार अभी मैं इसकी करूंगा स्पीड टेस्ट। भाई वैसे यार मेरा भी मन यार इसका स्पीड टेस्ट करने का। भाई 1,05,000 क्रेडिट्स ऐसे थोड़ी उड़ाए हैं मैंने। और इसका 0 to 100 भी देखेंगे कि ये 0 to 100 कितनी देर में जाती है। भाई इसमें टोटल 8 गियर है। भाई थोड़ी सी आगे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ाव तुड़ाव नहीं है। फिर मैं तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा बिल्कुल। बस अभी मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ। सर ये रास्ता है भाई पूरा 11 किलोमीटर का। भाई अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1 2 3 भाई तीसरे गियर में भाई इसने 150 पकड़ दी शायद, आई थिंक सो। भाई अभी यार मुझे यार भाई कंट्रोलिंग भाई बंदी 230 की स्पीड में इतनी प्यार से मुड़ी है, और वो बिल्कुल रेड वो आ रहा था आलिशान था। भाई मैं गियर स्विच क्यों नहीं कर रहा भाई, भाई छठा गियर लगा हुआ है और गाड़ी इतनी मक्खन मुड़ रही है, बस पूछो मत भाई। बट ये स्टीयरिंग बहुत ज्यादा कांप रहा है भाई, स्टीयरिंग तो कांपेगा भाई। गाड़ी यार 4 किलोमीटर चल भी ली भाई, ये गाड़ी यार 300 क्रॉस कर चुकी यार। वैसे यार कर ली करेगी क्या भाई, ये मेरे पास पहली गाड़ी ऐसी है हुरैकन से भी तेज जो 300 स्पीड क्रॉस कर चुकी है। तो अब इसमें और गियर देखते हैं, और इसमें और गियर है भी क्या नहीं। भाई शिफ्ट करता हूँ मैं इसके गियर। भाई इसमें 8 गियर है, और यार ये तो स्टॉक की है। फिर तो टून कराने के बाद देखो यार तुम इसके कितनी स्पीड हो जाएगी। अगर इसमें अभी 8 गियर है और ये अभी 316-317 तक पहुंच रही है, फिर तो ट्यून कराने के बाद यार भाई बिल्कुल हवा को चीरते हुए जाएगी भाई ये। भाई 320 की स्पीड रियली, भाई यू किडिंग मी भाई। भाई मैं इसके सीधा ब्रेक दबाऊंगा, और यार गियर छोटे नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। भाई ब्रेक दबाते हैं, भाई 2 सेकंड। भाई मेरे भाई मेरे सच्ची में मेरी जुबान फिसल रही है, इतनी लेजेंड गाड़ी है भाई ये, सच्ची में लेजेंड गाड़ी है विदाउट ट्यूनिंग। मां कसम भाई भगवान कसम, मुझे सबसे तगड़ी गाड़ी लगी, हुरैकन से भी तगड़ी लगी। भाई आपने देखा कि मेरे पास एक सिंगल गाड़ी है जिसकी स्पीड 320 जा रही है। अब ट्यून करवाने के बाद देख लो भाई, और ये अभी तो मैंने इसका 8 वगैरह चढ़ाया भी नहीं था, आस पास भी नहीं थे तो 8 वगैरह के। भाई 400 पार कर देगी है भाई। अब मुझे कमेंट में बताना कि मुझे अगली गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए भाई। भाई ये था आज के वीडियो में, आइए आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।